न्यू जब हम तुम्हें इसकी स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट के साथ तीरे को अटैच करेंगे। न्यू तीरा अटैच करने के लिए हमने तीरे के सेंटर में कट लगाए हैं और तीरे का डबल पार्ट है तो हमने एक पार्ट को कमीज़ की उल्टी साइड में यहाँ नीचे की तरफ सेट किया है और एक पार्ट को हमने कमीज़ के ऊपर रखा है और इस तरह से हम कट से कट मिलाते हुए यहाँ सेंटर से सिलाई पहले यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे और फिर यहाँ से इस साइड तक लेके जाएंगे। और जब हम फ्रंट साइड को यहाँ सेंटर से इसी से सेट करेंगे और इसी से सेट करने के बाद हम इसको इस तरह से खोलेंगे और यहाँ 15 इंच तक निशान लगाएंगे। और व्यूअर्स यहाँ हम इस साइड से क्वार्टर इंच छोड़ के यहाँ 15 इंच तक कट लगाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ से हमने क्वार्टर इंच छोड़ा है, इस साइड पे हम छोटी ब्लैकेट अटैच करेंगे और यहाँ इस साइड में हम बड़ी ब्लैकेट अटैच करेंगे। तो हमने छोटी ब्लैकेट को कपड़े में इस तरह से सेट कर लिया है और इसी तरह से हमने बड़ी ब्लैकेट को भी कपड़े में इस तरह से रख के सेट कर लिया है। यहाँ पर हमने फ्यूजिंग की डबल लेयर को इस्तेमाल किया है। अब हम कॉर्नर को मजबूत बनाने के लिए आपके सामने फ्यूजिंग की एक और लेयर को यहाँ पे इसी से चिपकाएंगे। तो अब हम इनको सिलाई करेंगे। व्यूज सबसे पहले हम यहाँ जिस साइड में हमने क्वार्टर इंच छोड़ा था यहाँ इस साइड में हम छोटी ब्लैकेट अटैच करेंगे इस तरह से। व्यूज यहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूज अब हम इस साइड में ये बड़ी ब्लैकेट अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ इस कॉर्नर के पास कट लगाएंगे। अब यहाँ हम इस कपड़े को टर्न करते हुए इस तरह से इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
व्यूअर्स, अब हम यहाँ इस किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब हम दोनों साइड में डबल सिलाई लगाएंगे।